कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर बीरबल का एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बैंगन का नहीं, आपका नौकर। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो उनमें किसी न किसी विषय पर चर्चा छिड़ जाती थी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह, बैंगन की सब्जी कितनी स्वादिष्ट होती है। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपनी तरफ से भी दो चार बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। जी हाँ महाराज, बैंगन बिल्कुल राजसी सब्जी है और उसका स्वाद किसी भी अन्य सब्जी से सबसे अच्छा है। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो वो बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बादशाह की बात सुनकर बैंगन को बुरा भला कहने लगा। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी होती है, इसे तो खाना ही नहीं चाहिए। ये सुनके बादशाह क्रोधित हो उठे और बोले, बीरबल जब हमने बैंगन की तारीफ की तो तुमने भी उसकी तारीफ की, और जब हमने उसकी बुराई की तो तुमने भी उसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारा एक मत क्यों नहीं है किसी चीज के ऊपर? तुम अपनी एक बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर। बादशाह को बीरबल की बात पसंद आई और वो भी मुस्कुराने लगे। जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, शायद इसकी शुरुआत यहीं से हुई होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।